इस वीडियो में हम लेआउट टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में जानेंगे कि लेआउट टैब के पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या होता है। ये तो ये जो हमारा पैराग्राफ ग्रुप है इसमें ये अडेंट है, ये स्पेसिंग है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कमांड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये डॉक्यूमेंट कमांड लिखी, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट कमांड आ गई। यहाँ पे हम अडेंट के बारे में समझेंगे कि अडेंट होता क्या है। अगर हमें ये पैराग्राफ आगे ले जाना है तो हम यहाँ पे, ये हमारा पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ये पैराग्राफ है इसको हमने आगे ले जाना है, ये सारे पैराग्राफ को। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद यहाँ पे इंडेंट पे जाएंगे। यहाँ पे एक लेफ्ट साइड है, ये देखो हमारी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। हमने लेफ्ट साइड का ये पैराग्राफ आगे ले जाना है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे बटन है दो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाले करेंगे तो ये आगे जाएगा। ये देखो हमने इसको बढ़ाया, ये देखो ये पूरा पैराग्राफ जो है ये आगे जा रहा है। ये 3 सेंटीमीटर किया, ये और गया, ये 4 सेंटीमीटर और आगे गया, ये 5, ये 6 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ये पैराग्राफ आगे जाएगा। ये देखो जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं ये आगे जा रहा है, ये देखो 1 सेंटीमीटर है ये, तो ये पैराग्राफ आगे जा रहा है। ये इस प्रकार हम ये पैराग्राफ, ये देखो आगे कर सकते हैं ये। तो ये लेफ्ट अडेंट है। इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि ये कम करना है तो हम कम भी कर सकते हैं। ये देखो हम ये नीचे वाला बटन ये क्लिक प्रेस करेंगे तो ये कम होता जाएगा। ये देखो लेफ्ट अडेंट जो है कम हो रहा है ये, और कम करना है ये देखो माइनस में, तो ये माइनस में जा रहा है। ये देखो -1.7, ये तो ये हमारा लेफ्ट अडेंट कम हो रहा है। अगर हमने वही रखना है तो हम क्या करेंगे, फिर इसको आगे बढ़ा देंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे हमारा ये 0 सेंटीमीटर था, यहाँ पे हमने 0 रख दिया। ये तो हो गया लेफ्ट अडेंट। अगर हमने इस साइड से राइट साइड से इसको आगे ले जाना है तो हम क्या करेंगे, ये राइट साइड का यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये बढ़ाया हमने, ये अपने आप ही आगे जा रहा है ये राइट साइड का, ये हमारी राइट साइड है ये, तो इससे आगे जा रहा है ये। ये देखो ये 6.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर। देखो हमारा जितना भी ये राइट अडेंट आगे जा रहा है ये इस प्रकार हम राइट अटेंट को भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। कम करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो जैसे जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ये राइट अटेंट कम हो रहा है ये। अगर माइनस में ले जाना है ये तो हम इसको माइनस में, ये देखो माइनस में जा रहा है ये, माइनस ये -1.1 सेंटीमीटर, ये -1.3 सेंटीमीटर, ये जो है राइट साइड का माइनस में जा रहा है। तो इस प्रकार हम लेफ्ट अडेंट और राइट अडेंट को बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये बात अगला है हमारे पास स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या है, ये जैसे ये एक पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है। ये यहाँ पे हमने कर्सर रखा हुआ है, ये हमारा कर्सर है। तो ये जो पैराग्राफ है इसके पहले हम स्पेस देना चाहते हैं ये पहले, तो इसको बढ़ाएंगे। ये देखो सिर्फ ये स्पेस हो रहा है, तो बिफोर में ये स्पेसिंग आ रहा है। ये देखो पैराग्राफ दोनों में स्पेसिंग आ रहा है, ये इसको और बढ़ाना है ये, तो हम ये स्पेसिंग आगे भी करेंगे। ये और स्पेस देना है तो हम यहाँ पे और क्लिक करेंगे। अगर यही हमने इन दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस कम करना है तो हम ये नीचे वाला एरो बटन ये क्लिक करेंगे। ये देखो स्पेस कम हो रहा है दोनों के बीच में, ये दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस कम हो रहा है।
तो इस प्रकार हम ये पैराग्राफ के बीच में स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अगर यहाँ पे ये हमारा कर्सर है, अगर हम ये हमारा पैराग्राफ है, इसके आफ्टर बाद में हमने स्पेस देना है। ये देखो यहाँ पे स्पेस देना है हमने, ये तो बिफोर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले स्पेस देना है। अगर इस पैराग्राफ के बाद में स्पेस देना है, ये हमारा कर्सर है, तो यहाँ पे हम इसको बढ़ाएंगे। ये देखो ये आफ्टर, ये देखो स्पेस बढ़ रहा है, ये हमारा आफ्टर हो गया। अगर इसी को कम करना है फिर, ये देखो कम हो रहा है ये स्पेस। तो इस प्रकार हम पैराग्राफ के बिफोर या आफ्टर स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अडेंट में लेफ्ट अडेंट और राइट अडेंट के बारे में जाना, स्पेसिंग में बिफोर पैराग्राफ के बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग के बारे में जाना। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।